हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़कियों के इन बॉडी पार्ट्स या इन अंगों को देखने से लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। तो आज के वीडियो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी को देखते हो, चाहे वो लड़की हो या कोई भी इंसान हो, आपके देखने का नज़रिया बताता है कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा। जैसे कि अगर आप किसी लड़की को या किसी भी इंसान को जब देख रहे हो तो आप गलत नज़र से देखते हो, तो उस टाइम पे सामने वाला आपको देखकर आपके बारे में कुछ गलत सोचता है, ठीक है। आपके आपसे रिलेटेड उसके दिमाग में नेगेटिव बातें चलने लगती हैं। इसी के साथ साथ अगर आप अच्छी वजह से देखते हो तो सामने वाला आपके बारे में अच्छी चीज़ें सोचता है। ठीक ऐसे ही अगर आप किसी लड़की को देखते समय उनके इन बॉडी पार्ट्स को देखते हो या इन अंगों को देखोगे, तो लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने लगेंगी, यानी कि वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगी। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला बॉडी पार्ट है, वो है लड़की का फोरहेड, यानी कि माथा। दोस्तों, जब आप अपनी क्रश के सामने हो या किसी लड़की के सामने हो, अगर आपकी सोच ऐसी है कि वो लड़की आपको पसंद करने लगे या उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने लगे, तो उस टाइम पे आप उनके फोरहेड को देखो, यानी कि उनके माथे को देखो। इसे देखने का फ़ायदा ये होगा, इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि जब आप लड़की के फोरहेड पे देखोगे तो इससे लड़की को लगेगा कि आप जो है कहीं ना कहीं उनसे आई कांटेक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से वो आपके बारे में सोचने लगेगी कि आप उसे लाइक करते हो या उसे पसंद करते हो। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप फोरहेड पे देखोगे तो लड़की को लगेगा कि आप जो है खुलकर किसी भी लड़की से आई कांटेक्ट कर पाते हो, आँख मिला पाते हो, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट हो, तो इसकी वजह से वो आपके बारे में सोचना शुरू करने लगती है। और साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान किसी के बारे में सोचता है तो ना चाहते हुए उसके दिमाग में या उसके दिल में उस इंसान के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। अगला जो बॉडी पार्ट है वो है लड़की के हाथ। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने लगे, तो जब भी आप लड़की से बात कर रहे हो या उस लड़की को देख रहे हो, तो उस टाइम पे उनके हाथों पर ज़रूर फोकस करो या उनके हाथों को देखो। इससे होगा ये कि इससे लड़की को लगने लगेगा कि आप कहीं ना कहीं उसका हाथ थामना चाहते हो या उससे रिलेशनशिप करना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों, हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि अगर रिश्ते के लिए या शादी के लिए लड़की देखने जाए तो ये होता है, नॉर्मली यही बोला जाता है कि हम आपकी लड़की का हाथ मांगने आए हैं। तो इस तरीके से अगर आप हाथों को देखते हो तो इससे लड़की के दिमाग में कहीं ना कहीं बात चलने लगती है कि आप उसके साथ रिलेशनशिप करना चाहते हो, जिसकी वजह से उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। अगला बॉडी पार्ट है वो है होंठ। दोस्तों, जब आप किसी लड़की से बात कर रहे हो या किसी लड़की को देख रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आप लड़की के होंठों को लगातार देखते रहते हो, कंटिन्यू आपका फोकस जो है उनके होंठों पर होता है, तो इसकी वजह से भी लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं या वो आपके बारे में सोचने लगती है। क्योंकि दोस्तों, होंठों से कनेक्शन सिर्फ एक किस से होता है, ठीक है। जब रिलेशनशिप होता है तो पार्टनर को किस करना इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। अब वहीं अगर आप उनके होंठों को देखते हो तो इससे लड़की के दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है कि आप उसे किस करना चाहते हो या किस करने में इंटरेस्टेड हो, जिसकी वजह से वो आपके बारे में सोचना शुरू करने लगती हैं। इसके अलावा अगला बॉडी पार्ट है वो लड़की की आईज, यानी कि आँखें। आँखों को देखने से भी लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं, बट जब आप किसी लड़की को एक अच्छे वे से देख रहे हो, एक सही नज़र से देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप देख तो रहे हो बट आपके दिमाग में कुछ और बातें चल रही हैं, जिससे लड़की आपके देखने से ही पता कर ले कि आपके इंटेंशन क्या, आपके इरादे क्या हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।